सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आती है कि हम आउटलाइन जो है वो परफेक्ट कैसे बनाएं। तो उसका एक बेस्ट तरीका मुझे लगता है ग्रिड मेथड। तो ग्रिड मेथड क्या है ये हमें पहले जानना पड़ेगा। तो आपने ग्राफ पेज देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लाइंस बने होते हैं एंड छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। तो सेम तरीके से हमें जिन पेज पर भी हमें ड्रॉ करना है उन पेज पर हमें लाइंस ड्रॉ करके जो है छोटे छोटे बॉक्सेस जो है क्रिएट करना है। तो उसके हिसाब से हम जो है आउटलाइन देख देख कर हम ड्रॉ कर सकते हैं और वो आउटलाइन आपकी परफेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है। तो कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया था कि आप ग्रिड लाइन के ऊपर एक वीडियो बनाओ। वैसे तो बहुत वीडियोस है यूट्यूब पर ऑलरेडी ये ग्रिड लाइंस को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बना देती हूँ। तो इस वीडियो में मैं सारी जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूँगी। तो ये तो हो गया ग्रिड मेथड क्या है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हम ग्रिड लाइंस हमें ड्रॉ करना चाहिए क्या नहीं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू मी ग्रिड मेथड कोई भी बुरी चीज़ नहीं है गाइस। आप इसे विदाउट एनी डाउट आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि ग्रिड मेथड ठीक नहीं है, इसे आपकी जो नॉलेज है वो गेन नहीं होती। ये पूरी तरीके से तो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी मेथड पर ज़्यादा जोर लगाएंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फ्री हैंड नहीं करेंगे, तो ही आपकी नॉलेज जो है वो गेन नहीं करेगी। आप जो भी कुछ करें लेकिन आपको फ्री हैंड ड्राइंग जो है वो प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो वो प्रैक्टिस आप किसी भी टाइम कर सकते हो। आप कई बार बैठे हो, आपके पास न्यूज़पेपर है और भी कोई पेपर है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छे वाले पेपर पे ही प्रैक्टिस करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप जब भी चाहे तो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर चाहे कि मैं एक सुंदर सी ड्राइंग बनाऊँगी, मैं एक्यूरेट ड्राइंग बनाऊँगी, तो आपको ग्रेड या फिर पेंसिल मेजरमेंट ये अप्लाई करना ही होगा। तो मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा है जो कि हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं, वो भी ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऐसा मन में कोई कन्फ्यूशन मत रखना कि ग्रिड लाइंस बेकार है या फिर ग्रिड लाइंस से ड्रॉ करते हो तो आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको कोई नॉलेज ही नहीं है और आप ग्रिड से ड्रॉ करोगे तो पहली बार में ही आपसे गलती होगी ही होगी। आप ग्रिड से भी परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ग्रिड में भी हमें ऑब्जर्व करना होता है कि कहाँ से लाइंस है, कहाँ से लाइंस गई है, तो उसे हमें ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रिड अप्लाई करें और आपकी ड्राइंग परफेक्ट बन जाए, ऐसा भी नहीं है। ग्रिड मेथड से भी आपको थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस करनी होती है, नहीं तो आपको भी एक्यूरेट ड्राइंग नहीं हो पाएगी आपसे भी। तो ये तो हो गया कि ग्रिड मेथड हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रिड मेथड क्या है। तो सभी आई थिंक ये डाउट आपको क्लियर हो गई है। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ग्रिड से ड्रॉ करें, लेकिन साथ ही साथ आप फ्री हैंड प्रैक्टिस भी हम ज़रूर करें। क्योंकि जब तक आपको शेप्स की नॉलेज नहीं होगी आप ग्रिड से भी परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना सकते। अब देखते हैं ग्रिड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक फ़ोन, तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे पहले और यहाँ पर टाइप करेंगे ग्रिड ड्राइंग ऐप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है ये ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट। ओके, सो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है।
सो ये डाउनलोड हो गई है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाउ करना है हमें, ओके तो हो गया। तो ये है हमारा फाइल मैनेजर ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ऑप्शन ही हैं, तो आप इसके हिसाब से आप आपकी ड्राइंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक ऑप्शन है यहाँ पर जो है पेपर साइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं A5 है, A4 है, A3, A2, A1, A0, तो सब साइज इसमें अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से आप ये ऐप ऑटोमेटिकली साइज के हिसाब से आपको जो है ग्रिड लाइंस ड्रॉ करके दे देगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम, तो अगर आप मान लीजिए आप A4 भी नहीं कर रहे हैं, A3 भी नहीं कर रहे हैं, A3 से थोड़ा बड़ा और A2 से थोड़ा छोटा ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पर कस्टम में जाकर आपकी जितनी भी लेंथ है तो वो आप इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसका हिसाब से ही आपकी जो ग्रिड लाइंस है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ A4 साइज़, क्योंकि मैं A4 में ही ड्रॉ करूँगी, और ये है वर्टिकल क्योंकि मैं इस तरीके से ही ड्रॉ करूँगी। तो इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस आती है फाइल्स गैलरी, तो आप जहाँ पर भी आपके जो रेफरेंस इमेज है आप वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं गैलरी से रैंडमली एक फ़ोटो सिलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। सो मैं गैलरी से एक फ़ोटो चूज़ करती हूँ, तो ये फ़ोटो मैंने चूज़ कर ली है। तो यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप अगर चाहे तो बड़ा छोटा आप साइज़ इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, आप कितनी ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ कि मैं कितना ड्रॉ करूँगी, और चलो ये साइज़ ठीक है तो इसको क्रॉप कर लेती हूँ। अब देखिए ग्रिड ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गई है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, ये आपकी जो है A4 साइज़ के हिसाब से ही नंबर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए 14 है ऊपर, और नीचे की तरफ आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर है 20, ओके तो 20 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, तो साइज वन सेल। वन सेल का मतलब है, तो यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं तो ये एक 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 सेल है, तो ठीक है ये सभी एक सेल है, तो इसका ही साइज वहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 15 mm है, तो मैं यहाँ पर आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं आप कितने चाहते हैं। तो मैं बेसिकली 20 mm रखती हूँ, तो अब ओके करते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे अब तो वहाँ पर तब 14 था, अब 11 हो गया है, और यहाँ पर 20 था और यहाँ पर अब 15 हो गया है, तो बड़ा हो गया है थोड़ा, क्योंकि पहले जो था 15 mm था, तो अब मैंने वहाँ पर 20 mm कर दिया है। तो ये है A4 साइज़ के हिसाब से। तो अब मैं इसको ही इस ग्रिड्स को मैं इस पेपर पर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, यहाँ पर ही एक ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट का, तो मैंने वहाँ से कर दिया है। तो मैं आपको जस्ट एक रफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो मान लीजिए ये बॉक्सेस हैं, तो ये जो लेंथ है एक एक बॉक्स का वो है 20 mm, तो इधर भी 20 mm, इधर भी 20 mm, तो ठीक है। आप यहाँ पर सेल का साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर 15 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, ये आपके हिसाब से है आप कितना करेंगे। तो 20 mm मैंने लिया है, और मैं हमेशा 20 mm ही
साइज़ सिलेक्ट करती हूँ, चाहे मैं A4 पे करूँ या A3 पर। तो यहाँ पर ये सेमी का स्केल है, और यहाँ पर मैं लूँगी 2 सेमी कर कर। तो ठीक है, 20 mm मतलब 2 सेमी, तो मैं 2 सेमी कर कर लूँगी, यानी कि इसका जो लेंथ है ये होगा 2 सेमी, और इसका जो लेंथ है इसका भी होगा 2 सेमी, यानी कि चारों तरफ जो है 2 सेमी करके ही होगा। तो 20 mm मतलब 2 सेमी। तो ये आपके हिसाब से है, आप अगर चाहे तो कम मिलीमीटर वहाँ पर सेल कर सकते हैं, और 1.5 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, तो उसको देख देख कर ड्रॉ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये एक आइडियल साइज़ है मुझे लगती है, तो आप भी इसको ही ट्राई करें, मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको। तो चलिए, आप स्केल को सीधा करके रखना, अगर पॉइंट लेने के समय गलतियाँ हो जाए तो ड्राइंग आउटलाइन भी सही नहीं होगी। तो सेम तरीके से इस तरफ भी मैं करूँगी। अब ये ध्यान में रखना कि आपने स्टार्ट इस तरफ से किया था, तो बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं, पेज को उल्टाते हैं और इधर से शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने जिस तरफ से स्टार्ट किया था आपको उसी तरफ से स्टार्ट करना है, यानी कि इस तरफ से, इस लाइन के हिसाब से। तो मैं पॉइंट जो है मार्क कर लूँगी, तो थोड़ी सी स्पेस बची हुई है तो वो हम मेकअप कर लेंगे। तो आप अगर यहाँ पर भी ज़ूम करके देखेंगे, ये देखिए 10 के घर से बाहर 11 थोड़ा है, तो यह है थोड़ा सा बचा हुआ। ठीक है, तो अब इस तरफ से भी मैं कर लूँगी। पॉइंट्स लेने की समय ध्यान से पॉइंट्स ले, और स्केल को जो है पेज की हिसाब से सही तरीके से पकड़े, इधर उधर ना हो जाए। तो अब इस पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे एक दूसरे से, और ये लाइन्स हमेशा लाइट पेंसिल से बनाएं। मैं यहाँ पर HB का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि आपको दिखने में मिले, लेकिन आप जब भी यूज़ करें तो लाइट ग्रिड की पेंसिल से ही ये ग्रिड आप बनाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है 11 लाइंस, तो मैं यहाँ पर नंबर दे दूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके 11 नंबर दे दूँगी। तो आप जूम करके अगर देखेंगे, ये 11 में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो पेज पर भी थोड़ा सा जगह ही बचा हुआ है। नीचे भी नंबरिंग कर दूँगी 15 तक। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से ही आपको देख देख कर जो है ड्राइंग बनानी है। सो आई होप आपको समझ में आ गई है कि ग्रिड कैसे ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आउटलाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।